इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ, और 2 से मैं आपको पैकेज 1 में ले जाऊँगा। ये जो पिछला वीडियो आपने देखा था वो इसी सेक्शन का था। यहाँ पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, ये भड़तल चौक है, ये IICC है सेक्टर 25, जहाँ पे ऑलरेडी मेट्रो स्टेशन जो है वो बन चुका है और एयरपोर्ट लाइन को यहाँ एक्सटेंड किया जा रहा है। ये भड़तल गाँव है, सेक्टर 26 है ये। इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो अभी आपको दो दो बॉक्स दिखते हैं आने जाने के लिए। अगर आप यहाँ से गुड़गांव जाना चाहते हैं या गुड़गांव से द्वारका की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको दो दो बॉक्स दिखते हैं इस जंक्शन पे, और ऊपर से रेल ओवर ब्रिज है। तो यहाँ पे नीचे जो अंडर पास है उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। वो पूरा एक्सपेंशन आपको दिखाऊंगा कि कितना काम वहाँ पे हो गया है। आपको खुद ही पॉजिटिव वाइब आ जाएगा इस वीडियो को देखकर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जितना भी आपको काम दिख रहा है इस पूरे सेक्शन में, ये काम ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे जो ड्रेन बनना था, यहाँ पे जो रास्ता बनना था, वो सारा कुछ हो चुका है। और जो रेल अंडर ब्रिज है यहाँ पे एक्सपेंशन का काम चल रहा है। जो नीचे अंडर पास है उसके साइज़ को डबल किया जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं या शिव मूर्ति की तरफ जा रहे हैं या वसंत कुंज की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसी अंडर पास को क्रॉस करके यहाँ से जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है वो टनल है। टनल का भी कितना काम हो गया वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बेसिकली टनल के ऊपर ही मैं कार चला रहा हूँ इस वीडियो में। जो एयरपोर्ट वाला साइड का टनल है उस टनल का बहुत सारा काम हो चुका है। यहाँ से मैं आगे जाऊँगा, ये पूरा सेक्शन आपको कवर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कापसहेड़ा का रेड लाइट आ जाता है। यहाँ से मैं इस पॉइंट से ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड आता है जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, यहाँ से मैं वापस मुड़ूंगा और मुड़ कर वापस मैं सेक्टर 21 के अंडर पास की तरफ जाऊंगा। पैकेज 1 से मैं पैकेज 2 में चले जाऊंगा। जैसे हम सेक्टर 21 के अंडर पास को क्रॉस करते हैं तो वहाँ से पैकेज 1 शुरू हो जाता है। तो ये पूरा जो सेक्शन है यहाँ पे भी टनल का काम चल रहा है। कितना काम हो गया टनल का ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। वापस मैं इस पूरे सेक्शन को आपको दिखाऊंगा, और इस सेक्शन को दिखाने के बाद वापस अंडर पास से क्रॉस करूंगा, और जो दूसरा हिस्सा मैंने आपको दिखाया था अंडर पास के एक्सपेंशन का, उस तरफ से मैं आगे जाऊंगा सेक्टर 26 के पास। इस पॉइंट में जहाँ पे NHAI ऑडिट कर रही थी उस दिन काम को, यहाँ पे कितना काम बचा हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया। आपको खुद ही पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगे इस वीडियो को देखकर। आप सबने मुझे मेरे रियल स्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूं जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूं, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पर खरा ही उतरूंगा। यहां जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 से पैकेज 1 में लेकर जाऊंगा, और पैकेज 1 में जो अंडर पास का काम चल रहा है यानी कि टनल का काम चल रहा है, स्पेशली सेक्टर 21 के अंडर पास से लेकर जो दिल्ली गुड़गांव का जो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव वाला जो रेड लाइट है कापसहेड़ा बॉर्डर वाला, वहां तक लेकर जाऊंगा, और वहां से यू टर्न लेकर फिर से मैं सेक्टर 21 के अंडर पास से गुजरता हुआ भड़तल चौक की तरफ आऊंगा। और इस पूरे सेक्शन में जो भी काम चल रहा है वो सारा का सारा काम आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इन सारे वीडियोज़ को बनाने में बहुत टाइम लगा है मुझे, बहुत मेहनत लगा है, बहुत एफर्ट लगा है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सबसे पहले तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इस वीडियो में मुझे 1000 के करीब लाइक्स चाहिए, मुझे मोटिवेशन चाहिए, थक गया हूँ मैं भी वीडियो बना बना कर आप सबके लिए। बहुत सारे अपडेट्स है लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं, इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि सबसे पहले जो दिल्ली गुड़गांव है उसे जोड़ना है, उसको जुड़वा दूंगा, फिर थोड़ा चैन की सांस लूंगा, तब तक नहीं छोड़ने वाला हूँ इस चीज़ को। तो आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं पैकेज 2 में हूँ उस वक्त, और मैं आपको यहाँ से पैकेज 1 की तरफ लेकर चलूँगा, और वहाँ पर जो अंडर पास में काम चल रहा है उसमें क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे,
तो यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे अगर मैं चले जाऊँगा तो पैकेज 2 ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से पैकेज 1 शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है, देखिए, अच्छा ये तो फार्म हाउस के लिए लिखा हुआ है। यहाँ से जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको पैकेज 2 ख़त्म हो जाएगा और पैकेज 1 शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अंडर पास आ जाएगा अभी और मोस्ट प्रॉब्ली 100 मीटर्स के बाद, और वो जो अंडर पास है वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। कल वाले वीडियो में आपने जो अंडर पास देखा था, जो सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास अंडर पास का रैंप बाहर निकल रहा है, वो यहीं पर अगर राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो वहाँ पर उसका काम चल रहा है। और यहाँ पे जो अंडर पास का काम है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि अंडर पास जो एग्जिस्टिंग अंडर पास है, अभी आपको वो अंडर पास भी दिखेगा एग्जिस्टिंग वाला, तो आप वो एग्जिस्टिंग अंडर पास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो 2 बॉक्सेस बने हुए हैं वो 2 बॉक्स के जगह अब 4 बॉक्स बन जाएंगे। तो वो 4 बॉक्स जो बनने वाले हैं वो कहाँ बनने वाले हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए आगे पैकेज 1 और 2 का इंटरसेक्शन है, बहुत धूल मिट्टी है यहाँ पे। पैकेज 2 और 1 का इंटरसेक्शन है, ये सेक्टर 21 का अंडर पास है यहाँ से आगे। और अभी जो है मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाऊँगा और यहाँ पे जो बॉक्स पुश के थ्रू अंडर पास को एक्सटेंड किया जा रहा है वो पोर्शन आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा टूटा फूटा है रास्ता, धूल मिट्टी ये सब दिखेगा आपको यहाँ पे। और मैं आपको जो बॉक्स पुश किया जा रहा है वो पोर्शन दिखाऊंगा अभी। यहाँ से अगर आप आगे देखें तो देखिए आपको प्लेन भी एक टेक ऑफ करता हुआ नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और यहाँ से मैं आपको आगे ले चलता हूँ। पहले आपको अंडर पास का जो काम चल रहा है बॉक्स पुश के थ्रू वो दिखाऊंगा। यहाँ पे बेसिकली ऊपर से रेलवे ट्रैक गया हुआ है, तो वो जो रेलवे ट्रैक गया है उसके वजह से यहाँ नीचे अंडर पास है, यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बन सकता है, तो नीचे का जो अंडर पास है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, वो वाला पूरा पोर्शन अभी आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ मैं और यहाँ पे उतर के आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए इस वक्त जो है मैं अंडर पास के ऊपर खड़ा हूँ और आगे यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो आपको एक बस आता हुआ दिख रहा होगा। तो पहले मैं उस सेक्शन में था, वहाँ से आपको अंडर पास दिखाया था, अब मैं जो है अंडर पास के बिल्कुल ऊपर में आ गया हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आप एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं या शिवमूर्ति की तरफ जाना चाहते हैं या फ्यूचर में आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे यहाँ से, तो ये नीचे आपको यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं उसके थ्रू ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए भी 2 बॉक्सेस हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे दूसरा तरफ तो वहाँ पे भी आपको 2 बॉक्सेस वाले ही दिखेंगे जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये जो पूरा रास्ता है, ये देखिए ये पूरा जो रास्ता है इसके वहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं जिससे ट्रैफिक जा रही है और यहाँ पे 2 ओहो, ये प्लेन का टेक ऑफ देखिए आप। ज़बरदस्त है ये। तो यहाँ पे उस तरफ में 2 बॉक्सेस हैं और यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं। अब हो क्या रहा है कि 2 बॉक्सेस और आगे एक्सटेंड उधर कर दिया जाएगा और 2 बॉक्सेस जो है ना वो इस तरफ भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन चल रहा है मैं उसका काम आपको दिखाता हूँ। देखिए अब ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला सेक्शन, इसी के अंदर आज के डेट में अंडर पास है जिससे आप आना जाना करते हैं। तो जो भी द्वारका की तरफ जा रहे हैं या द्वारका से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं वो इसके नीचे जो अंडर पास है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन अब जो ये अंडर पास है उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। तो जो एक्सपेंशन हो रहा है इसका, उसका काम आपको दिखाता हूँ। देखिए वहाँ से एक्सपैंड होके उस एरिया से आप एंटर करेंगे, वहाँ पर रेलवे ट्रैक है, तो वहाँ से एक्सपैंड होके ये यहाँ तक पहुँच चुका है ऑलरेडी। इसमें दोनों ही तरफ, इस तरफ भी रिटेनिंग वॉल बन चुका है, उस तरफ भी रिटेनिंग वॉल बन चुका है। अब ये जो आपको सरिया सा दिख रहा है ये सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके पीछे वाला जितना भी आप हिस्सा देख रहे हैं उसमें ऊपर का छत भी बना दिया गया है उस तरफ। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी मैं उस तरफ भी आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका ये नीचे अंडर पास है, ये अब इसके नीचे से आगे मूव होगा और इसके दूसरी तरफ वहाँ पर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी अंडर पास का काम ऑलमोस्ट हो गया है। यहाँ पर कुछ ड्रेनेज भी है, वो ड्रेनेज का भी काम चल रहा है। अब अभी जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ ये सारा का सारा जो एरिया है ना इसी के नीचे अंडर पास है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये देखिए ये जो सरिये वाले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी इसमें कंक्रीट करने वाला काम बचा हुआ है, ये कंक्रीट नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह अगर आप इस सेक्शन को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ये कंक्रीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इस सेक्शन को देखें
तो यहाँ पे देखिए कंक्रीट कर दिया गया, ये पूरा सेक्शन यहाँ पे भी कंक्रीट कर दिया गया है, इस तरफ भी कंक्रीट कर दिया गया, आगे की तरफ भी कंक्रीट कर दिया गया है। और इसके बाद रेलवे ट्रैक आ जाता है, इस रेलवे ट्रैक के नीचे से भी ये अंडरपास क्रॉस होकर दूसरी तरफ निकलेगा, तो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम लगा होता है या लगता है बारिश के टाइम पे, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। नॉर्मली जो पीक आवर्स में यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा करता है, वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो जो द्वारका के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए भी एयरपोर्ट की तरफ आना जाना या गुड़गांव की तरफ आना जाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक तो अंडरपास ये है, देखिए अंडरपास के ऊपर ही मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, इसके नीचे अंडरपास होगा, इस जगह पे पोर्शन अभी खाली है बट इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक इसी तरह वो वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं वहाँ पे ड्रेन है, ड्रेन यहाँ तक आ चुका है बट ड्रेन को आगे यहाँ पे और कनेक्ट किया जा रहा है। बस ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये ड्रेन का काम अभी यहाँ पे बचा हुआ है, ऑलमोस्ट सारा ड्रेन ख़त्म हो चुका है काम इसका। तो मान कर चलिए कि अगले एक से डेढ़ महीने में ये जो पूरा काम है इसको भी कंक्रीट करके आपस में कनेक्ट करके ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ड्रेन वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ये जो बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जितना पोर्शन उस जगह से लेकर इस जगह तक, इसी चीज़ को आगे भी एक्सटेंड करेंगे, तो ये चीज़ एक्सटेंड होकर आगे भी चला जाएगा। और ठीक इसी तरीके से इसके दूसरे तरफ भी ऐसे ही अंडरपास बन रहा है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ वो भी आपको दिखाऊँ। तो आप ये समझ लीजिए कि आप ऑफ़िस आना जाना कर रहे हैं यहाँ से, तो बहुत ईजी हो जाएगा फ्यूचर में आपके लिए ऑफ़िस आना जाना द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद, चाहे वो द्वारका के रेसिडेंट्स हो या गुड़गांव के रेसिडेंट्स हो, सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि जितने भी चीज़ें आपको दिख रही है ना उसको बहुत और बड़ा कर दिया जा रहा है। अभी जिस सेक्शंस में मैं चल रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा जो सेक्शन मैं चल रहा हूँ ये एग्जिस्टिंग अंडरपास के ऊपर मैं चल रहा हूँ, और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ दूसरी तरफ जो बिजवासन का रेलवे स्टेशन आएगा, वो देखिए वो इसी सेक्शन में आएगा इस जगह पे, और यहाँ पे इस जगह पे स्टेशन आएगा, ये बहुत बड़ा स्टेशन होगा। तो जब भी बिजवासन वाले रेलवे स्टेशन का काम शुरू होगा तो मैं उसके बारे में ही बताऊँगा। फ़िलहाल आपको ये बताऊँ कि अगर आप एकदम दूर में देखिए, अभी वहाँ पे नहीं जाऊँगा मैं, बट यहाँ से अगर मैं जहाँ पे फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ पे देखिएगा, आपको पीछे हाई राइज अपार्टमेंट्स दिखेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको चार सरिये खड़े हुए दिखेंगे उस जगह पे। तो वहाँ कुछ तो काम शुरू हुआ है, जब भी एक्चुअल में वहाँ पे काम शुरू होगा बिजवासन वाले रेलवे स्टेशन का, तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। सामने आप यहाँ पे रेलवे ट्रैक देख सकते हैं, इसी के नीचे अंडरपास है। अब ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, इसके बाद रेलवे ट्रैक के नीचे यहाँ से अंडरपास जो है वो और आगे तक जाता है, तो ये जो बॉक्स पुश है ये आगे तक होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये जो येलो वाले आपको पोर्शन दिख रहे हैं, ये येलो वाले यहाँ से लेकर ये जो आपको येलो वाले दिख रहे हैं, ये तो एग्जिस्टिंग अंडरपास है, लेकिन इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये अंडरपास को यहाँ से भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ये देखिए ये जो अंडरपास है ना इसको एक्सपैंड कर दिया गया है, तो एक बॉक्स यहाँ लगेगा, एक बॉक्स इसके बाद होगा। तो इस तरफ अगर आप देखें तो एक बॉक्स का काम पूरा हो चुका है इस तरफ का भी, तो इधर वाला बॉक्स भी हो गया है एक, और उधर वाला बॉक्स भी ऑलमोस्ट एक कंप्लीटेड है। नेक्स्ट 1-1.5 मंथ में वो वाला पोर्शन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम सितंबर में है, बाय मिड ऑफ अक्टूबर उस वाले पोर्शन को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड आप मान के चलिए कि जो इसका दूसरा वाला पोर्शन है, जो एक और बॉक्स बनेगा दूसरी तरफ, वो उसके नेक्स्ट 2 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था, आपको दिखाना कि ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, वहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग्स दिख रहे हैं, फिलहाल टेक ऑफ दिख रहा है क्योंकि यहाँ से आज टेक ऑफ सारे प्लेन्स कर रहे हैं। तो देखिए ये जो पूरा पोर्शन है, अभी मैं अंडरपास के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, जिस अंडरपास से फ्यूचर में ट्रैफिक आया जाया करेगी। यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट है जिसे ज्वाइन कर दिया गया है, ऐसे एक्सपेंशन जॉइंट। वाओ ये प्लेन देखिए, ये तो फाइटर प्लेन लग रहा है कुछ, पता नहीं कौन सा प्लेन है बट प्लेन था, मैंने दिखा दिया आपको, देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो देखिए एक्सपेंशन जॉइंट अभी उसको ज्वाइन नहीं किया गया है, इस पोर्शन में खुला हुआ है। ऐसे ही आगे वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे वहाँ पे, तो जो एक्सपेंशन जॉइंट है ना उसको ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये वाला पूरा पोर्शन, और इसके बाद अगर मैं यहाँ से आपको आगे जाकर दिखाऊं, तो देखिए ऊपर में वाटर प्रूफिंग का भी काम हो चुका है यहाँ पे सारे जगह। देखिए ये भी वाटर प्रूफिंग का काम हो गया यहाँ पे। पैकेज 2 जो है ना, वो आप मान के चलिए कि जनवरी 2023 तक ऑलमोस्ट 90% जो काम है ना वो कंप्लीट हो चुका होगा। छोटे मोटे काम बचेंगे जो 2-3 महीने में और कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो वॉल दिख रहा है आपको,
ये एग्जिस्टिंग वाले अंडरपास का ये वॉल है, सेक्टर 21 के अंडरपास का, मैं उसके बाद आया हुआ हूँ, तो इस वाले सेक्शन को भी पब्लिक के लिए खोला जाएगा। अभी टाइम, अभी ये पब्लिक के लिए खोला नहीं गया है, इसी वजह से आपको यहाँ से ट्रैफिक आते जाते हुए नहीं दिखेगी। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, देखिए कोशिश करूँगा आपको इस तरफ से भी ये जो है अंडरपास को दिखाऊँ। मैं यहाँ से आऊँगा आगे और आके आपको ये नीचे जो अंडरपास का काम चल रहा है वो दिखाऊँगा। तो यहाँ से लेकर अगर आप आगे तक देखेंगे तो अंडरपास का सारा काम हो गया है। ये वाला जो सेक्शन है ना, आप अगर गुड़गांव की तरफ से फ्यूचर में आएंगे या एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे तो इस वाले सेक्शन को यूज़ करेंगे, और उसके बाद ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे भी ये आगे एक्सटेंड होगा। आगे जो आपको रास्ता दिख रहा है ये पूरा रेलवेज़ का लैंड है, इस तरफ भी और उसके दूसरे तरफ भी। तो यहाँ पे ही जो बामनोली रेलवे स्टेशन का काम जब शुरू होगा तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक्सपेंशन जॉइंट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब मैं ऐसे घूम कर जाता हूँ, आगे से घूम कर जाऊँगा और इस पोर्शन में आऊँगा, और इस पोर्शन में आने के बाद नीचे जो अंडरपास है वो आपको दिखाऊँगा। देखिए ट्रेन भी जा रही है यहाँ से, ये गुड्स ट्रेन है, तो अगर आपके बच्चे देख रहे हो तो उनको दिखाइए ये गुड्स ट्रेन है। बचपन में जब हम लोग ट्रैवल किया कर, यानी मैं जब स्पेशली ट्रैवल किया करता था और ट्रेन से जाया करता था और गुड्स ट्रेन आते थे तो पापा मुझे बताते थे देखो मालगाड़ी जा रहा है ये। यहाँ से अगर आप इसमें मैं बैठ जाऊँ तो मैं यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे चले जाऊँगा ट्रेन के थ्रू, और सेक्टर 37D में जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है वहाँ पे भी पहुँच जाऊँगा, और एक और प्लेन अब टेक ऑफ करते हुए। हर 2-3 मिनट में प्लेन टेक ऑफ करता है, मन करता है कि रिकॉर्ड कर लूँ, फिर आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि अरे सिर्फ प्लेन ही दिखा रहे हो, तो इतना प्लेन नहीं दिखाऊँगा, अच्छा लगेगा तो दिखा भी दूंगा, कोई नहीं। ये पूरा इनका छोटा सा यार्ड है यहाँ का जहाँ पे मैं चल रहा हूँ अभी, और आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ से एक साइड का टनल तो आपको दिखा दिया था, अब दूसरे साइड वाला टनल भी दिखा देता हूँ आपको नीचे से। तो एक तो आपने ये वाला पोर्शन देख लिया, इधर वाला, यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए काम चल रहा है, यहाँ पे तो कास्टिंग हो गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काम अभी चल रहा है, इन सब को लगा कर जो बाकी रेलवे ट्रैक होगा उसके ऊपर का जो पोर्शन होगा उसको कवर करेंगे, तो उसी का काम चल रहा है। अब कीचड़ ही कीचड़ है, देखिए कैसे कैसे जगह से गुजरना पड़ता है, रास्ता ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से निकलूँ कि जूता गंदा ना हो, एक बार तो पैर जा चुके हैं। तो देखिए ये वाला पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया था इस तरफ का, है ना, अब हम चलेंगे इसी के दूसरे तरफ, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से जो द्वारका या गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं फ्यूचर में जब जाएंगे तो इसके नीचे अंदर जाएंगे और यहाँ से वो एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे या गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। अब इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर आप अपने ऑफिस से आ रहे हैं, हालांकि कल को सारे ऑफिसेज द्वारका एक्सप्रेस वे पे ही होंगे जो आज आप NH8 पे देखते हैं या गोल्फ कोर्स रोड पे देखते हैं, अगर आप इमेजिन कीजिए एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं या NH8 की तरफ से आ रहे हैं या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं या शिवमूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, तो वहाँ से आप दूसरे साइड वाले अंडरपास के थ्रू नीचे से जाएंगे और नीचे से गुजर कर आप दूसरी तरफ निकलेंगे। तो वहाँ पीछे देखिए एक ब्लू कलर का आपको छोटा सा सिक्योरिटी रूम दिख रहा होगा, उसके नीचे वहाँ पे लेके चलूँगा आपको और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊँगा। अब यहाँ पे वापस से पहले तो मैं यहाँ पे था, अब मैं इस तरफ आ गया हूँ, यहाँ से आपको दूसरी तरफ दिखा देता हूँ। ये अभी मैं अंडरपास के ऊपर ही चल रहा हूँ, ये ट्रैफिक को जाने के लिए एक यू टर्न जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे। भैंस को देखा तो एक चीज़ याद आ गया, बचपन में ऐसा बोलते थे गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है, तो प्रिंसिपल या टीचर बोलते थे कि भैंस हमारा बाप है नंबर देना पाप है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कीचड़ों के बीच से कुछ रास्ता, देखिए इससे पहले जो मैं था ये सिक्योरिटी वाला चीज़ था जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया था, अब यहाँ पे आप देखिए इस टनल का काम इस जगह पे पूरा हो चुका है। देखिए मैं उस सेक्शन में था, उससे पहले मैं उधर वाले टनल में आपको दिखा रहा था, अब मैं इस तरफ वाले टनल में आ गया हूँ, इसके ऊपर था मैं, अब मैं नीचे में आ गया हूँ, नीचे मतलब अब आपको नीचे वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ। तो ये जैसा बॉक्स बना है ना, इसमें दो गाड़ियाँ आराम से आना जाना कर सकती, दो ट्रक आराम से आना जाना कर सकते हैं, और इसी के साथ एक और बॉक्स बनेगा जो उधर बनेगा। तो अभी जो आपको चार बॉक्सेस दिखते हैं, 1, 2, 3, 4 जहाँ पे मैं इस वाले रास्ते के नीचे जो 2 और 2 4 बॉक्सेस हैं वो यहाँ 2 और एक्सटेंड हो जाएंगे,
और इसी के दूसरे तरफ वहाँ पे भी दो और एक्सटेंड हो जाएंगे वो। और वीडियो को जब स्टार्ट किया था मैंने, तो मैंने आपको दिखा था कि जो ट्रैफिक द्वारका से गुड़गांव की तरफ जा रही है वो उस तरफ से आ रही है, और जो गुड़गांव से या वसंत कुंज से फ्यूचर में आएंगे वो इस वाले रास्ते से जाएंगे, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ से। तो इसी के साथ ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इसी के दूसरी तरफ यहाँ पे दो बॉक्सेस होंगे टनल के दोनों ही तरफ, तो ये सारी चीज़ जो आपको दिख रही है सब हट जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट NH 248 BB, तो नेशनल हाईवे 248 BB है इसका नाम, और पैकेज वन यहीं से शुरू होता है इस जगह से। यहाँ से अब आगे लेकर जाऊँगा शिव मूर्ति की तरफ, और टनल में क्या क्या काम हो गया है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ से हम पैकेज वन में एंटर कर चुके हैं पैकेज टू के पास से, यहाँ पे मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए सामने आपको ये टनल दिख रहा है, लेफ्ट साइड में जहाँ से मैं जा रहा हूँ दो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, और राइट हैंड साइड में भी आपको दो बॉक्सेस दिखेंगे। ये जो दो बॉक्सेस हैं फ्यूचर में ये दोनों ही तरफ चार चार बॉक्सेस हो जाएंगे, मतलब द्वारका या गुड़गांव की तरफ से आप एयरपोर्ट की तरफ या शिव मूर्ति की तरफ या वसंत कुंज की तरफ जा रहे हैं तो ये जो दो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ऐसे चार बॉक्सेस होंगे, और अगर आप आ रहे हैं वापस तो वहाँ पे भी चार बॉक्सेस होंगे। तो टोटल यहाँ पे यानी आज चार लेन है, ये 8+8 यानी कि 16 लेन का ये पूरा अंडरपास हो जाएगा। यहीं से फिर ऑप्शन होगा आपके पास, या तो आप सर्फेस रोड पर जाइए या आपके पास ऑप्शन होगा कि आप सीधा टनल वाला अंडरपास ले लीजिए और एयरपोर्ट की तरफ चले जाइए। अभी मैं सर्फेस वाले रोड पर जा रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी टनल को अंडरपास के साथ जोड़ा जा रहा है, वो अब काम आपको दिखाऊंगा मैं अभी। तो यहाँ अंडरपास से मैं बाहर आ गया हूँ इस वक्त, पैकेज वन में हूँ मैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो पिलर का भी काम चल रहा है, एक छोटा सा प्लेन टेक ऑफ करने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी अंडरपास होगा और अंडरपास का काम यहाँ पे भी चल रहा है इस सेक्शन में, इसके नीचे से जो है वो अंडरपास जाएगा आगे की तरफ। तो पिछले हफ्ते जो मैंने आपको पोर्शन दिखाया था वो यही था इसके दूसरे वाले साइड का, ये मैं इस तरफ आ गया हूँ एयरपोर्ट वाले साइड में। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये जो सामने आप बैरिकेड देख रहे हैं, इस बैरिकेड तक जो है वो टनल का काम हो चुका है, तो जिस रास्ते में अभी हम चलेंगे वहाँ पे कई सारे ऐसे सेक्शंस आएंगे जहाँ पे हम टनल के ऊपर ही वाले सरफेस रोड पे चल रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी मैं वापस से कैमरे को टर्न करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी जो है वो बॉक्स पुश का काम चल रहा है इस सेक्शन में। तो यही वो सेक्शन होगा, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे होंगे तो इसी सेक्शन से आप ऊपर आएंगे कल को टनल से बाहर, जैसे पीछे वहाँ टनल था वैसे ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे भी टनल से आप बाहर आने का रास्ता होगा, और फिर आप अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए सरफेस रोड ले सकते हैं या आप वापस से टनल लेकर एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। और आगे जो जो काम हो रहा है वो सारा काम दिखाता हूँ। ये राइट हैंड साइड में जो आपको बैरिकेड्स दिख रहे हैं, इन बैरिकेड्स के अंदर की तरफ टनल का काम हो चुका है, जो मैंने आपको बताया था कि बॉक्स पुश टेक्नोलॉजी के थ्रू टनल बनाया जा रहा है, तो वो टनल का काम हो चुका है। कोशिश करूँगा वो टनल भी आपको दिखाने के लिए अगर रास्ता मिला अंदर जाने का कहीं से। तो यहाँ जो आपको राइट हैंड साइड में गाड़ियाँ आती हुई दिख रही हैं, देखिए ये सारी जो गाड़ियाँ आपको आती हुई दिख रही हैं, यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये सारे टनल के ऊपर ही चल रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ आपको दिख रही है राइट हैंड साइड में आते हुए, ये सब के सब जो हैं वो टनल के ऊपर ही ड्राइव कर रहे हैं। इसके नीचे ऑलरेडी जो टनल है वो बन चुका है, दोनों ही तरफ जाने के लिए भी और आने के लिए दोनों तरफ टनल बन चुका है यहाँ पे। तो जब मैंने यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो दिखाया था आज से 6 महीने पहले, तब यहाँ पे टनल को बनाने का काम चल रहा था। यहाँ पे भी आप राइट हैंड साइड में देखिए पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के आसपास भी पूरा जो एरिया है वो यहाँ पे टनल का काम हो चुका है ऑलरेडी। जितना सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से आगे जो रेड लाइट आएगा कापसवेड़ा मोड़ वाला जो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड है वहाँ तक पूरा टनल का काम हो चुका है। एक तरफ अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे ये ट्रक को जाने दीजिए फिर दिखाता हूँ, जो गाड़ियाँ अभी आ रही हैं मेरे अपोजिट डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में जो आपको जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही हैं वो अभी रॉन्ग डायरेक्शन में आ रही हैं। कल को ये गाड़ियों का जो आने वाला डायरेक्शन है, अगर आप सरफेस रोड लेके आ रहे होंगे तो इसके बाद वाले में से आएंगे, जिसमें टनल को अभी अभी कॉन्क्रीट किया गया है, तो अभी उस टनल को पब्लिक के लिए ऊपर का जो सर्फेस रोड है उसको खोला नहीं गया है, थोड़ा क्योरिंग व्योरिंग चल रहा है वहाँ पर, जब वो पूरा क्योरिंग वाला काम हो जाएगा फिर उसको ओपन किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर अभी ट्रैफिक आ रहा है इस वाले टनल से, बेसिकली आप यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होंगे, इसके नीचे जो ट्रैफिक होगा वो यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ चल रहा होगा। तो ये पूरा रास्ता आपको अभी दिखाता हूँ आगे तक,
अभी यहाँ से आगे से यू टर्न लेकर भी आऊँगा, और यू टर्न लेने के बाद जो दूसरे तरफ का हिस्सा है जो यहाँ से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा वो वाला हिस्सा भी आपको दिखा, ये कितना चौड़ा है। और यहाँ पे पहले बहुत सारे पेड़ वेड़ हुआ करते थे, तो यहाँ से वापस से प्लांटेशन किया जाएगा, एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे भी ट्री प्लांटेशन किया जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो ये पूरा एरिया फिर से ग्रीन हो जाएगा कुछ सालों में। ये जहाँ जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ ये पूरा सरफेस रोड है, ये बेसिकली इसके नीचे जहाँ जिस रोड से मैं चल रहा हूँ इसके नीचे कोई भी टनल वनल ये सब नहीं है। राइट हैंड साइड में जो आपको ट्रैफिक दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन वाला, सारे टनल के ऊपर वही चल के आ रहे हैं। इस समय मैं द्वारका के अंडर पास से शिव मूर्ति की तरफ जा रहा हूँ ड्राइव करके। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए, इससे पहले जब ये सेक्शन मैंने आपको कवर किया था तो आपको बड़े बड़े यहाँ पे क्रेन्स, बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स दिख रहे थे, बहुत सारे यहाँ पे मैनफोर्स दिख रहा था जो ये काम कर रहे थे। बट अब आप देखेंगे तो यहाँ पे वैसा काम आपको नहीं दिखेगा क्योंकि सर टनल का काम ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला जो है पोर्शन उसके एंड में यहाँ पे अभी कॉन्क्रीट नहीं हुआ है टनल, जहाँ पे आपको गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई दिख रही हैं। अभी मैं जाऊँगा उस सेक्शन में तो आपको उस पूरे सेक्शन को बड़े क्लियरली दिखाऊँगा, डिटेल में दिखाऊँगा। अभी आगे से कहीं से मैं यू टर्न लेता हूँ फिर आपको दिखाऊँगा। एक बार बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ तक टनल का काम हो चुका है और किस किस पोर्शन में बचा हुआ है टनल का काम। तो जैसे आगे जाकर मैं यू टर्न लेकर वापस आऊँगा तो जिस पोर्शन में टनल का काम नहीं हुआ है वो पूरा पोर्शन भी आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है कि अभी कॉन्क्रीट करने का प्रोसेस हो ही रहा है, तो जब मैं यू टर्न लेकर आऊँगा तो आपको वो सब दिखेगा। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में अभी कॉन्क्रीट किया गया है और कुछ सेक्शन में कॉन्क्रीट अभी हुआ नहीं है, बट जितने भी पोर्शन अभी तक मैं चल के आया हूँ इसके राइट हैंड साइड में जो आपको गाड़ियाँ दिख रही आती हुई, ये पूरा टनल यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। इसके नीचे जो है मिट्टी विट्टी को हटाया जा रहा है वो टनल वनल से, सो डैट ये बनाया कैसे गया था कि पहले गड्ढा नहीं यहाँ पे किया गया था, सबसे पहले दोनों ही तरफ टनल के दीवारें बना दी गई थी रिटेनिंग वॉल जैसी, और ऊपर से फिर इसको जोड़ दिया गया था। तो नीचे अभी मिट्टी हटाना बाकी, कई हद तक मिट्टी हट चुका है यहाँ से, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह होंगे, कुछ ऐसे भी पोर्शन है जहाँ से मिट्टी अभी हटी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में आपको दिखाऊं तो अब यहाँ पे आपको हैवी व्हीकल्स दिख रही होगी, ये देखिए। तो यहाँ पे अभी टनल वाला जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है इस वाले सेक्शन में। अब आगे अगर मैं और जाऊँगा तो कापासेड़ा का इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, देखिए ये पूरा पोर्शन यहाँ पर टनल बनकर रेडी है। इस पूरे पोर्शन में जितने भी आपको व्हीकल्स दिख रहे हैं जाते हुए, अभी मैं जब यू टर्न लेकर जाऊँगा यहाँ से यू टर्न ले लूँगा मैं इस जगह से, और आगे अगर आप देखेंगे तो रेड लाइट जो है वो कापासेड़ा और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर वाला रेड लाइट है। यहाँ से मैं यू टर्न ले रहा हूँ, यू टर्न लेके मैं अब टनल के ऊपर वाले पोर्शन में आ जाऊँगा। अभी तक तो मैं द्वारका की तरफ से शिव मूर्ति की तरफ जा रहा था, लेकिन अब मैं शिव मूर्ति की तरफ से जो है वापस द्वारका की तरफ जा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी टनल का काम हुआ नहीं है। ये जितना भी रास्ता है ना इसमें टनल के ऊपर ही मैं चल रहा हूँ, अभी ये पूरा रास्ता मैं टनल के ऊपर ही चल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा गाड़ी और यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए ये जो पोर्शन है ये एग्जिस्टिंग सरफेस रोड है, अभी यहाँ पे टनल वाला काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ दीवारें अंदर डाली गई हैं और जो इसको डिफॉर्म वॉल बोलते हैं वो डाली गई है। जब यहाँ पे टनल वाला काम अब शुरू हो जाएगा, इस तरफ तक तो हुआ पड़ा है, अब देखिए जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा यहाँ से आपको दिखेगा। यहाँ पे अभी टनल का काम अभी नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ना इसके नीचे टनल बन चुका है, और यहाँ पे टनल को बनाया जा रहा है इस पूरे पोर्शन में, इसलिए आपको यहाँ पे मिट्टी खुदी हुई दिख रही है। ये देखिए यहाँ पे टनल को बनाया जा रहा है, अभी टनल को बनाने का काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी वजह से आपको यहाँ पे जेसीबी मशीन क्रेन्स ये सब दिखेंगे। नीचे देखिए डीफॉर्म वॉल बन रहा है, यहाँ पे देखिए टनल को ऊपर से कैप लगा दिया गया है। ये वही वाला पूरा सेक्शन है जो आपको UER2 का जो इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, वहाँ पे यही वाला पूरा पोर्शन बन रहा है धूलसिरस चौक के पास। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सरफेस बनाया जा रहा है, उसके बाद सरफेस बनाने के बाद इसको ऊपर से कास्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी अभी लाकर इसको प्लेसमेंट किया गया है, देखिए और जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये पूरा सेक्शन देखिए आप। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में
लेफ्ट हैंड साइड में अभी टनल को बनाया ही जा रहा है, ऊपर से जो कास्टिंग जो सेगमेंट्स हैं उनको लाके प्लेस कर दिया गया है, और यहाँ पे अगर इस पोर्शन में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको कंक्रीट भी कर दिया गया, और अब जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं गाड़ी चलता हुआ इसके नीचे टनल जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। ये टनल के ऊपर जो सरफेस है उसका सरफेस रोड है, हालांकि ये अभी ब्लैकटॉप नहीं हुआ है पूरा, जब भी ब्लैकटॉप पूरा सही तरीके से होगा, अभी हल्का हल्का ये स्मूथ नहीं है क्योंकि अभी पूरा फिनिशिंग का काम इस पर हुआ नहीं है, बट टनल बन चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्योरिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, तो टनल में उस तरफ आप देखेंगे तो प्लेसमेंट किया गया सेगमेंट्स को, लेकिन यहाँ पे टनल के ऊपर सेगमेंट को लगाने के बाद उसमें क्योरिंग का काम चल रहा है। तो अभी जिस रास्ते में हूँ मैं वो ऐसे ही रास्ता, जब ये क्योरिंग होने के बाद इसको हटा दिया जाएगा पानी वानी, तो हटाने के बाद ये इसी तरीके का सरफेस रोड बन जाएगा ये पूरा सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा सेक्शन है, अब यहाँ पे आपको सेगमेंट लगे हुए दिखेंगे, यहाँ पे फिर से क्योरिंग चल रही है देखिए इस सेक्शन में, यहाँ तक सेगमेंट, फिर यहाँ पे आपको सेगमेंट्स लगे हुए दिखेंगे, यहाँ पे फिर से क्योरिंग चल रही है। तो ये पूरा टनल वाला काम जो है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है दोनों ही तरफ, जहाँ पे मैं गाड़ी से चल रहा हूँ वो टनल के ऊपर वाले सरफेस रोड में ही चल रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा जो काम है इस तरफ आप देखेंगे जो ट्रक्स खड़ी हुई हैं ये सारे टनल के ऊपर सरफेस रोड पे खड़ी हुई है, यहाँ पे अभी टनल का काम नहीं हुआ है इस जगह पे। ये वाला जो रास्ता है ना यहाँ से रैंप जो है वो नीचे जाएगा इस वाले सेक्शन से, तो इसी सेक्शन से आप नीचे जाएंगे आगे रैंप में सेक्टर 21 वाले अंडरपास में, तो रैंप वाला जो सेक्शन है वो यहीं से शुरू हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं वापस तो देखिए यहाँ पे भी ऊपर सरफेस रोड पूरा बना हुआ है और इसके नीचे रैंप भी है नीचे जाने का, और उसी रैंप से आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ जा रहे होंगे। अब यहाँ पे जितना भी रास्ता आपको दिख रहा है ये जो पूरा चौड़ा सा रास्ता आपको दिख रहा है जिसमें ट्रैफिक जा रही है, इसमें टनल का काम हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में भी पूरा टनल का काम हो चुका है, यहाँ सारे फार्म हाउसेज हैं, जितने फार्म हाउसेज हैं उनका लैंड एक्वायर हो गया था, उसको 30-30 फीट के करीब पीछे कर दिया गया था, वो सारा काम हो चुका है यहाँ पे। तो जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली सेक्शन में कितना काम अभी बचा हुआ है, तो ये दिल्ली सेक्शन का आधा पार्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको शिव मूर्ति वाला पार्ट भी दिखाऊंगा। तो ये सारा का पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर जो सरफेस रोड दिख रहा है ऑलमोस्ट ये सरफेस रोड कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पे अब ज़्यादा काम कुछ बचता नहीं है, सिर्फ इस सरफेस रोड के नीचे जो मिट्टी है उसको हटाने वाला काम बच रहा है यहाँ पे। कितना चौड़ा हो जाएगा ये, मुझे तो पता है कि यहाँ सरफेस रोड में कितने लेन्स होंगे, अगर आपको पता है कि सरफेस रोड और जो नीचे टनल वाला है उसको मिलाकर कितने लेन होंगे टोटल यहाँ पे, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों ने पुराने वीडियोस देखे और आप सबको ये आइडिया है कि यहाँ पे टोटल कितने लेन्स होंगे, मुझे पता है कि कितने लेन्स होंगे, आप कमेंट कीजिएगा, जिसका कमेंट सही होगा उसको मैं बताऊंगा कमेंट में कि आपका कमेंट सही है। तो अब यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो फिर से सेक्टर 21 वाला अंडरपास आ जाएगा, यहाँ पे भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टनल का पूरा काम यहाँ पे हो चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ पे अब ऐसा कोई मेजर काम नहीं बच रहा है टनल वाला। ये वही पेट्रोल पंप है जो मैंने आपको अभी दिखाया था जब मैं उस तरफ से आ रहा था। देखिए वापस से हम सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ जाएंगे, ये सारा काम यहाँ पे हो चुका है, जितने फार्म हाउसेज आपके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है वो एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है, और ये जो रास्ता ऐसा कर्व सा दिख रहा है यहाँ पे, ये डाइवर्जन बना हुआ है यहाँ पे, यहीं से आप फ्यूचर में स्ट्रेट जाएंगे, इस कर्व से जो ट्रैफिक आएगी ना ये बेसिकली जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्यूचर में ट्रैफिक आएगी, जब ये पब्लिक के लिए एक्चुअल में ऑफिशियली खोला जाएगा। तो वहीं पर अंडरपास है जो द्वारका वाला अंडरपास के साथ कनेक्ट हो रहा है, बॉक्स पुश करके उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से अभी जब आप जाएंगे तो आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी काम होता हुआ दिखेगा, तो वहाँ पे भी उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, दोनों ही तरफ एक्सटेंड किया जा रहा है। ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है ये अंडरपास है एग्जिस्टिंग वाला, और जो मैंने आपको दिखाया था कि बॉक्स पुश किया जा रहा है वो इसके दूसरी तरफ दिखाया था। अब तो वापस से मैं पैकेज 1 से अब पैकेज 2 के तरफ एंट्री करूँगा, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये पैकेज 1 है, जो ये टनल है ये भी पैकेज 1 का पार्ट है, अब यहाँ से मैं पैकेज 2 के तरफ एंट्री करूँगा। जैसे मैं इस टनल से बाहर निकलूँगा
100 मीटर के बाद फिर पैकेज वन शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से जब आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे होंगे तो एयरपोर्ट की तरफ से आते हुए आप अगर सेक्टर 21 की तरफ जाना चाहते हैं, भरतल चौक की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं स्ट्रेट सर्फेस रोड लेकर। अगर आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो यहीं से एलिवेटेड रास्ता जो सामने आपको लॉन्चर दिखेगा, देखिए आगे आपको लॉन्चर दिख रहा है, तो उस रैंप में आप जाएंगे और वहां से आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे एलिवेटेड रास्ता लेकर। बट अगर आपको सेक्टर 21 की तरफ जाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अंडरपास में फिर से घुसने का रास्ता होगा। उस अंडरपास में आप एंटर करेंगे यहाँ से और सीधा सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचेंगे। सेक्टर 21 वाला जो मेट्रो स्टेशन वाला अंडरपास है उसको भी मैंने डिटेल में उसका वीडियो बनाया था, चाहे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, इस फ्लाईओवर के नीचे से ही वो सेक्टर 21 वाला अंडरपास गुजर रहा है। अभी मैं आपको वो वाला सेक्शन भी दिखा दूंगा। ये सेक्टर 21 का अंडरपास यहाँ पे आ गया। यहाँ से अगर आप अभी मोड़ेंगे तो सेक्टर 21 की तरफ मुड़ जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में आप अंडरपास लेकर ही मुड़ेंगे सेक्टर 21 की तरफ, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। और ये जो पोर्शन है पूरा इस सेक्टर 21 के अंडरपास के ऊपर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अब यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो भरतल चौक की तरफ चले जाएंगे। यहीं से अगर आपको नजफगढ़ की तरफ जाना है तो आप सरफेस रोड से भी जा सकते हैं, आप एलिवेटेड रास्ते से भी जा सकते हैं। यहाँ पे रैंप का काम चल रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 18 के करीब पिलर हैं जिस पे अभी एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं हुआ है, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। आप मानिए कि नेक्स्ट फोर एंड हाफ मंथ्स में ये जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है जिसमें एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं हुआ है, ये नेक्स्ट फोर एंड हाफ मंथ्स में ये सारा बनकर कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपको पीछे भी लॉन्चर्स दिखे होंगे और ये भरतल चौक से जो लॉन्चर आ रहा है वो वाला लॉन्चर आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको एक लॉन्चर दिखेगा। देखिए ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको यहाँ पे लॉन्चर दिख रहा है। तो देखिए अभी मैं वो पूरे रास्ते से होकर आया हूँ और यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, आपको इसमें बहुत सारे जो फ्लाईओवर है वो बने हुए नहीं दिखेंगे, मतलब फ्लाईओवर का काम अभी हुआ नहीं है। तो इसके एंड में आपको लॉन्चर दिखेगा वहाँ पे। यहाँ सामने आपको ये लॉन्चर दिख रहा है जिसका काम चल रहा है। आगे जाऊँगा तो भरतल चौक आ जाएगा। ये रैंप है नीचे उतरने और चढ़ने के लिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रैंप है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ, आज देखिए NHAI स्पेशली यहाँ पे आई है और ये ऑडिट करी, क्योंकि मैं सारे ऑफिशियल्स को जानता हूँ तो यहाँ से मैं जा ही रहा था, गुजर रहा था, तो देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी वो लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या काम चल रहा है और कितना काम पेंडिंग है। तो उसका यहाँ पे ऑडिट चल रहा है उस काम का, वहाँ पे आपको ऑफिशियल्स दिख जाएंगे उस जगह पे जो ये ऑडिट कर रहे हैं। और इस वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम जो काम बचा हुआ है ना वो अब इसी सेक्शन में बचा हुआ है। 18 के करीब पिलर है जो इस सेक्शन में बचा हुआ है जिसमें काम होना है। और फ्यूचर में जो आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जा रहे होंगे या दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जा रहे होंगे या शिवमूर्ति की तरफ से आप गुड़गांव की तरफ जा रहे होंगे, तो ये जो आपको सामने फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं फ्लाईओवर से आप आना जाना करेंगे। तो आप जब अंडरपास की तरफ से वहाँ से आते हैं उस जगह से, तो आप इन्हीं फ्लाईओवर को लेते हुए आप आगे की तरफ जाएंगे। तो आपके पास प्रोविज़न है कि आप स्ट्रेट जा सकते हैं नजफगढ़ की तरफ या धुलसेरस की तरफ या ICC की तरफ जा सकते हैं। ICC की तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के साथ। और दूसरा प्रोविज़न है कि आप यहाँ से फ्लाईओवर लेने के बाद, फ्लाईओवर लेते हुए आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये वाले जो आपको कर्व्स दिख रहे हैं ना, ये पूरा स्पेशल जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ये गुड़गांव से दिल्ली के ट्रैफिक को और दिल्ली से गुड़गांव के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए है, अगर आप एयरपोर्ट के तरफ से आ रहे हैं या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं। ठीक इसी तरह ये वाला जो ट्रैफिक है ये भरतल चौक वाला है, तो भरतल चौक से अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाएंगे तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे। और ये जो भरतल चौक है यहाँ से दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर जो है आप मानिए कि 3 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला काम बचा है। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे एंड में ICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो अब यहाँ तक एलिवेटेड रास्ता ले आया गया है, उसके बाद यहाँ पे फ्लाईओवर थोड़ा अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कर्व हो रहा है, तो कर्व के जगह ये अलग से रैम्प बना रहे हैं, उसको जो भी शाफ्ट बोलते हैं या जो भी बोलते होंगे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, तो उसका काम यहाँ पे चल रहा है ये दोनों जगह। उसके बाद वापस से लॉन्चर जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसी ठीक इसी तरीके से एक लॉन्चर जो है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक लॉन्चर इन दोनों पिलर के वहाँ से देखिएगा, तो एक लॉन्चर आपको वहाँ से भी इस डायरेक्शन में मूव होता हुआ दिखेगा, हमारी तरफ आ रहा है, और एक लॉन्चर पीछे की तरफ जा रहा है अंडरपास की तरफ। तो ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन भी आपको दिखेगा अभी इसमें कंप्लीट होता हुआ। आप मान कर चलिए कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में ये वाला पूरा सेक्शन जो है ना ये कंप्लीट हो चुका होगा नेक्स्ट 4 मंथ्स में। तो यहाँ पे जो जय कुमार और NHAI के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी मैं मिलकर आया हूँ और समझा है कि किस चीज़ का रिव्यू चल रहा है। वीडियो में आपको ये सब डिटेल्स ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ क्योंकि मुझे पहले से पता है, ऑलमोस्ट लगभग
डेली बेसिस पे ही कोऑर्डिनेशन करता हूँ मैं, फॉलोअप करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो जो भी वीडियो में बताया वो सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा हुआ है उसके नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है नए अपडेट्स पाने के लिए। तो उस लाल बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सब्सक्राइब करने के बाद इसके राइट हैंड साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, बेल आइकन पर आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया अपडेट डालूंगा द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।